हेलो दोस्तों, फाइनली इंडियन व्हीकल सिमुलेटर गेम के अंदर दोस्तों न्यू थ्रेशर ऐड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भाई ये ऐड होने वाला दोस्तों, तो फाइनली ऐड हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते साथ ही हो। में दोस्तों मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाऊंगा और दोस्तों इसको कैसे आप ले पाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में दोस्तों इसको आप कैसे मॉडिफिकेशन कर पाओगे मैं आपको सब कुछ तो बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो यार दोस्तों यहाँ पर रेड कलर का बटन दबा के दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने का मतलब दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल तो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई आपको थ्रेशर मशीन कैसे मिलने वाले। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर थ्रेशर मशीन इस प्रकार से ऐड हुआ दोस्तों। चारों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इसका लुक देख लीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार से इसका लुक है सामने की तरफ, इस प्रकार से होने वाला दोस्तों। साथ ही में दोस्तों आप देख सकते हो पीछे की तरफ भी आपको बहुत ही शानदार इसका लुक मिलने वाला दोस्तों, आप देख सकते तो हो। फ्रेंड्स, आपको फार्मिंग मैप भी मिलने वाला है दोस्तों। आपको पता ही दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि भाई फार्मिंग मैप की तैयारी चल रही है। जैसे फार्मिंग मैप कंप्लीट होगा दोस्तों, तो मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मशीन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर ऐड हो चुकी है दोस्तों थ्रेशर मशीन। तो दोस्तों इसी प्रकार तो से दोस्तों फार्मिंग मैप भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप थ्रेशर मशीन को कैसे ले पाओगे गेम के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, आपको ऑप्शन में जाना दोस्तों। यहाँ पर आपको साइड में कस्टमाइज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर तो दोस्तों आपको मॉडिफिकेशन में जाना है, ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन पर क्लिक करना है और आपको नीचे में स्क्रॉल करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा थ्रेशर का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको शुरू से बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे में थ्रेशर का ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों ये ऐड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते और हो। दोस्तों यहाँ से ही आप ट्रैक्टर के व्हील को भी चेंज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चेंज व्हील का ऑप्शन मिला दोस्तों, इसको स्क्रॉल करोगे तो ये चेंज हो जाएगा टायर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ से टायर छोटे या बड़े कर सकते हो, इस प्रकार से आप कर और सकते दोस्तों हो। अगर आपको सामने के टायर को भी चेंज करना है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए मॉडिफिकेशन पर नीचे व्हील का ऑप्शन मिला, व्हील्स का ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर तीन लाइन दिखेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप बड़े या छोटे टायर बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तीनों लाइन को आगे पीछे करके देख लीजिएगा दोस्तों, ये बड़े छोटे टायर बन तो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मैं मिलता है एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।